नमस्ते सभी स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की तैयारी कर रहे हैं और आईटीआई के अंदर सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रिकल ग्रुप में हैं, उनके लिए है ये इलेक्ट्रिकल ट्रेड रिलेटेड इल्यूमिनेशन लैंप्स। ये सेकेंड ईयर मैकेनिकल ट्रेड ग्रुप का है, ग्रुप फर्स्ट कहलाता है। ये हमने पहले भी दिखाया था, आज इलेक्ट्रिकल ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी ट्रेड्स इलेक्ट्रिकल ग्रुप की हैं, कुल 17 ट्रेड्स हैं और ये 6 टॉपिक हैं। सबसे पहले सोडियम वेपर लैंप, यह लैंप तेज प्रकाश उत्पन्न करता है। इसमें निम्नलिखित भाग होते हैं, कांच की ट्यूब, इलेक्ट्रोड्स, सोडियम व आर्गन गैस, ट्रांसफार्मर और कैपेसिटर, ये इसके 5 भाग हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको सोडियम वेपर लैंप का आपको केवल फ्री हैंड स्केच ड्रा करना है और उसके ये पार्ट्स के नाम शो करना है। एक सोडियम पेपर लैंप ये यू टाइप का है, रिएक्टेंट ट्रांसफार्मर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। उच्च वोल्टेज वाला कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया जाता है। यह कैपेसिटर पावर फैक्टर के मान को उच्च रखता है। जब लैंप को विद्युत सप्लाई से कनेक्ट किया जाता है तो आर्गन नियॉन गैस के द्वारा डिस्चार्ज होता है और लैंप गुलाबी रंग का हल्का प्रकाश देने लगता है। फिर लगभग 10-15 मिनट में उसकी गर्मी से सोडियम वेपोराइज होने लगता है। जैसे जैसे वेपोराइजेशन क्रिया होने लगती है, लैंप का प्रकाश बढ़ता जाता है। जब सोडियम पूर्ण रूप से वेपोराइज हो जाता है तो लैंप से पीले रंग का तेज प्रकाश निकलने लगता है। यह लैंप स्विच ऑन करते ही प्रकाशित नहीं होता, पूर्ण प्रकाश के लिए 10-15 मिनट का समय लगता है। जब इसका फिलामेंट टूट जाए या फ्यूज हो जाए अथवा कैथोड इलेक्ट्रॉन्स को डिस्चार्ज करना बंद कर दे या सोडियम की विभवन क्रिया ठीक ना हो तो लैंप कार्य नहीं कर पाता है। ये लैंप 45, 60, 85 और 140 वाट के होते हैं, जिनमें प्रकाश की मात्रा 2200, 3200, 5500, 8500 ल्यूमेन होती है। इन लैंपों का उपयोग अधिकतर स्ट्रीम लाइटिंग में किया जाता है, स्ट्रीट लाइटिंग। ये लगभग 3500 घंटे तक कार्य करता है। मरकरी वेपर लैंप, इस लैंप में मरकरी भरी होती है। इसमें फिलामेंट से प्रकाश उत्पन्न नहीं होता, इसमें मरकरी गर्म होकर डिस्चार्ज होती है और लैंप प्रकाशित हो जाता है। डिस्चार्ज लैंप का कार्य सिद्धांत पिछले पृष्ठ पर दिए गए हैं। ये भी दो प्रकार के हैं, हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप और लो प्रेशर मरकरी लैंप, जिसे हम फ्लोरोसेंट ट्यूब कहते हैं। ये MA टाइप लैंप मरकरी आर्गन टाइप लैंप कहलाता है। ट्यूब के अंदर हाई प्रेशर मरकरी और आर्गन गैस भरी होती है। तो ये मरकरी आर्गन प्रकार का लैंप,
उसका आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्केच बना करके अच्छी तरह से देख लें पूरा हाथ से। एम ए लैंप के कनेक्शन, एच पी एम बी लैंप, से 250 वोल्ट पर या 250 400 वाट के बनाए जाते हैं। एम ए टी टाइप लैंप, इसका पूरा नाम मरकरी आर्गन वटंगस्टन टाइप लैंप है। एम ए टी प्रकार का लैंप, तो इसकी आकृति इस प्रकार की होती है। फिर मरकरी आर्गन प्रकार का लैंप, एम ए लैंप, ये हमने देख लिया था, ये भी एम ए टी प्रकार का लैंप ये हमने पढ़ लिया है। फिर एम बी प्रकार का लैंप, मरकरी वेपर लैंप, तो इस लैंप का आप फिगर बना के देखें। फ्लोरोसेंट ट्यूब, तो फ्लोरोसेंट ट्यूब के बारे में इसे पढ़ लें अच्छी तरह से। इसकी संरचना एक कांच की ट्यूब होती है और अंदर की सतह पर 2.5 मिलीमीटर के प्रेशर पर मरकरी वेपर भरी होती है, कुछ मात्रा में आर्गन गैस की भी होती है। ट्यूब के दोनों किनारों पर इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जो टंगस्टन धातु के बने होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करने वाले वस्तु की कोटिंग चढ़ी होती है और बाहर दो पिने निकली होती है। ये फ्लोरोसेंट ट्यूब का डायग्राम है और ये कनेक्शन डायग्राम है, ये वर्किंग है, इसे बढ़ लीजिए। ये इसके कार्य, सोपोर स्टार्टर, इसमें चोक और स्टार्टर भी कनेक्शन में लगाए जाते हैं। स्टार्टर भी दो प्रकार के हैं, थर्मल और ग्लो टाइप। ग्लो प्रकार का स्टार्टर, ये इसके लाभ, मरकरी वेपर लैंप के लाभ और फ्लोरोसेंट लैंप के अलावा इसके दोष भी पढ़ लें। फिर रहता है नियॉन साइन लैंप। नियॉन लैंप टेटीमेटी ट्यूब के रूप में होती है, यह प्रकाश के लिए उपयोग नहीं की जाती बल्कि विज्ञापन के लिए प्रयोग की जाती है। ट्यूब किसी नाम आदि के अनुसार मोड़ कर बनाया जाता है। इसमें डिस्चार्ज लैंप की भांति, तो ये नियॉन ट्यूब के कनेक्शन है। नारंगी लाल रंग के लिए नियॉन गैस भरी जाती है।
नीले रंग के लिए नियोन और आर्गन गैस के साथ थोड़ी मरकरी वेपर, हरे रंग के लिए पीला कांच और नियोन और मरकरी वेपर, पीले रंग के लिए पीला कांच और हीलियम गैस। तो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग प्रोपोर्शन में गैस लेंगे। नियोन ट्यूब के ये कनेक्शन इम्पोर्टेंट है। ये इसके विभिन्न दोष ये पढ़ लीजिए। ये मरकरी उच्च दाब मरकरी वेपर लैंप, मरकरी आर्गन टंगस्टन लैंप, तो जितने भी तरह के जो लेंथ इनमें से कोई एक लेंथ परीक्षा में पूछते हैं। मरकरी आर्गन लैंप, ये मरकरी आर्गन लैंप। विभिन्न लैंप के जो कैप हैं, सोडियम वेपर लैंप ये हमने पहले पढ़ा था, कनेक्शन देख लीजिए दोबारा। इस प्रकार से आपको स्केच ड्रा करना है। लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप हो तो इस प्रकार से ड्रा करना है। उच्च दाब सोडियम वेपर लैंप आ जाए तो ये हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, इसमें जो भागों के नाम हैं इस पर अच्छे से देख लें कौन से क्या भाग हैं, नाम लिखे हुए हैं वैसे ही आपको लिखना। अब ये फ्लोरोसेंट ट्यूब, सिंगल फ्लोरोसेंट ट्यूब, इसका स्केच बनाकर देख लें। ये हर घर में लगाई जाती है, सभी जगह काम में ली जाती है। इसमें स्टार्टर और चौक भी साथ में लगाया जाता है कनेक्शन में। ये डीसी पर संयोजन के लिए टू फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट अगर आ जाए तो ये बनाना है, डबल फ्लोरोसेंट ट्यूब का श्रेणी संयोजन किस प्रकार करते हैं और इसका पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं। ये दोनों रैपिड स्टार्टर फ्लोरोसेंट ट्यूब पूछे तो फिर ये बनाना है। तो ये जितने भी स्केच हैं इनको अच्छी तरह से देख कर एक बार ड्रा कर लें अपने हाथ से। डबल ट्यूब इंस्टेंट स्टार्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब है, डबल ट्यूब लाइट का सर्किट या सिंगल फ्लोरोसेंट ट्यूब दोनों में से एक आता है। इंस्टेंट स्टार्ट फ्लोरोसेंट ट्यूब मेटल हैलाइड लैंप, ये मेटल हैलाइड लैंप और इसके भागों का नाम है मेटल हैलाइड लैंप। कार्बन फिलामेंट लैंप, ये कार्बन फिलामेंट लैंप। वैक्यूम मेटालिक फिलामेंट लैंप, ये वैक्यूम मेटालिक फिलामेंट लैंप जिसके भागों के नाम दे रखे हैं। नियोन लैंप पूछा के भाई लैंप में बनाना दे बनाना नियोन लैंप। नियोन साइन ट्यूब है, ये हमने पहले देखा था, इसका स्केच बनाकर देख लें इम्पोर्टेंट है। आर्क लैंप, ये आर्क लैंप है, ये हेलोजन लैंप
ये एलईडी लैंप, ये सब एलिमिनेशन चैप्टर में। ये वापस देखिए, सिंगल फ्लोरोसेंट लैंप सर्किट विद थर्मल टाइप स्टार्टर के साथ। फिर नेक्स्ट है इंस्टेंट स्टार्ट फ्लोरोसेंट लैंप और रैपिड स्टार्ट फ्लोरोसेंट लैंप। ट्विन ट्यूब लाइट सीरीज कनेक्शन, ट्विन ट्यूब लाइट पैरेलल कनेक्शन। तो ये हम पहले देख चुके हैं, इस दोनों में से जो सर्किट बनाना आपको आसान लगे बनानी है। गैस फिल्ड लैंप, कार्बन फिलामेंट लैंप, ये लो प्रेशर सोडियम वेपर लैंप और ये हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप। दोनों का डिफरेंस सचित्र देख लीजिए। लो प्रेशर आए तो ये बनाना है, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप तो पूछे तो ये बनाना है। हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप, तो ये मर्करी वेपर लैंप विथ ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड टाइप एम ए टाइप, ये एम ए टी टाइप टंगस्टन फिलामेंट भी हैं इनमें के साथ। एम बी लैंप विथ बायोनेट कैप टाइप एम बी टाइप, नियोन साइन ट्यूब पहले देख चुके हैं, ये इसका भी सिंपल सर्किट है। मेटल हैलाइड लैंप कनेक्शन, मेटल हैलाइड लैंप कनेक्शन, ये है मेटल हैलाइड लैंप और मेटल हैलाइड लैंप सिस्टमेटिक सर्किट डायग्राम। आप सर्किट डायग्राम बना लीजिए। एम ए टाइप लैंप, तो ये इसका लैंप का कनेक्शन देख लीजिए फिर। इसके बाद ये आ रहा है मर्करी आर्गन लैंप, इसके लैंप के भागों के नाम तीर से शो कर रखे हैं, इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस गैस मर्करी आर्गन आउटर ग्लास। सोडियम वेपर लैंप के कनेक्शन वापस देखिए, मर्करी वेपर लैंप का कनेक्शन, हाई प्रेशर सोडियम वेपर लैंप, फ्लोरोसेंट ट्यूब परिपथ सिंगल वाले और या डबल वाले। फ्लोरोसेंट ट्यूब परिपथ दो ट्यूब सहित, ये लैंप है कि फ्री हैंड स्केच है बल्ब का। मर्करी आर्गन लैंप और इनफेंडे लैंप टंगस्टन फिलामेंट लैंप। तो ये जितने भी लैंप्स आज हमने पढ़े हैं इनमें से सोडियम वेपर लैंप, मर्करी वेपर लैंप, नियॉन साइन ट्यूब, इन तीनों में से एक क्वेश्चन आता है, साथ में सिंगल फ्लोरोसेंट ट्यूब और डबल फ्लोरोसेंट ट्यूब। ये पांच सर्किट तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर ड्रा करके देखें स्केच बुक में।